तो हाय दोस्तों, तो आज यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द ग्रेट जर्नी टीनएजर्स का पार्ट 6। और ये पार्ट भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जैसा कि आपने इसका लास्ट एपिसोड तो देखा ही होगा। तो हम यहाँ पर इस पार्ट के स्टार्टिंग में देखते हैं उन्हीं दो बच्चों को जो कि हमने एनिमेशन की स्टार्टिंग में देखे थे, और वो एक घर के अंदर होते हैं जहाँ पर एक लड़की होती है जो कि भूख के मारे उसके प्राण निकल रहे होते हैं, और वो अपने भाई से कहती है कि भाई मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने का ला कर दो। जिस पर उसका भाई उसको कहता है कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं बाहर जाकर खाने का इंतजाम करता हूँ भीख मांग कर। और फिर इतना कहकर वो वहाँ से बाहर चला जाता है, और फिर वो वहाँ से बाहर आ जाता है और विलेज में आकर इधर उधर देखने लगता है। और फिर हम वहाँ पर एक मोटे से आदमी को देखते हैं जो कि वहाँ पर काफी सारा खाना छुपा कर लेकर जा रहा होता है, और फिर तभी वहाँ पर उसका पैर फंस जाता है, वो नीचे गिर जाता है और उसका खाना भी वहाँ पर बिखर जाता है। और यहाँ पर सारे गाँव वाले काफी ज्यादा भूख से मर रहे थे, इसलिए वो सभी लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। और यहाँ पर हम उस लड़के को भी देखते हैं जो कि उस आदमी से खाना चुराने की सोचता है, पर तभी वहाँ पर उसकी सिस्टर आ जाती है और उसको मना करती है कि हम किसी से खाना चुरा कर नहीं खाएंगे, भले ही हमारे हालात अभी काफी ज्यादा खराब है पर हम किसी का फायदा नहीं उठाएंगे। जिस पर वो लड़का भी उसकी बात मान जाता है, और फिर हम वहाँ पर देखते हैं कि वो लड़की वहाँ पर भूख के मारे बेहोश हो जाती है, और कुछ इसी तरह इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है। और फिर तभी हम यहाँ पर एक जगह को देखते हैं जहाँ पर एक सिटी लॉर्ड होता है जो कि काफी कम उम्र का एक लड़का होता है, और वो वहाँ पर लोटपोट हो रहा होता है। और फिर तभी हम वहाँ पर काफी सारे एल्डर्स को देखते हैं जो कि उस लड़की के पास आ रहे होते हैं, और यहाँ पर इनकी आवाज सुनकर ये लड़का भी जाग जाता है और यहाँ पर पूछता है कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। जिस पर उनमें से एक एल्डर बताता है कि हमारे मास्टर को सेंजाओ सिटी में गिरफ्तार कर लिया गया है और हमें आपसे हेल्प चाहिए उसको छुड़ाने के लिए। जिस पर वो सिटी लॉर्ड उनसे पूछता है कि आखिर सेंजाओ सिटी उनको क्यों गिरफ्तार करना चाहेगी, आखिर ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने क्या किया था। और फिर वो एल्डर उनको बताता है कि सेंजाओ सिटी काफी ज्यादा ताकतवर होना चाहती है, वो टाइटल हासिल करना चाहती है मोस्ट पावरफुल सिटी होने का, हो सकता है इसलिए उन्होंने हमारे मास्टर को किडनैप किया हो, और भी वो काफी सारे लोगों को किडनैप कर रहे हैं अपनी सिटी को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए। तो हमें आपसे हेल्प चाहिए हमारे मास्टर को छुड़ाने के लिए और साथ ही सेंजाओ सिटी का घमंड तोड़ने के लिए, तो क्या आप हमारी हेल्प करना चाहेंगे हमारे मास्टर को छुड़ाने के लिए और सेंजाओ सिटी को सबक सिखाने के लिए। और फिर वहां पर वो लड़का सोचता हुआ जवाब देता है कि ठीक है, हम सेंजाओ सिटी पर अटैक करेंगे, 3 दिन में हमारे सारे सैनिक और घोड़े तैयार कर लो, हम सेंजाओ सिटी पर अटैक करेंगे 3 दिन में। तभी उस पर वो एल्डर जवाब देता है कि हमें 3 दिन इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे लोग पहले से ही सेंजाओ सिटी में तैयार बैठे हुए हैं, बस हमें आपका आदेश का इंतजार है। और फिर तभी वहाँ पर वो सिटी लॉर्ड लड़का भी तैयार हो जाता है अपना हथियार उठाकर, और उस एल्डर के पास जाकर कहता है कि मैं भी उस लड़ाई में शामिल होना चाहूंगा, और मैं देखना चाहता हूँ कि सेंजाओ सिटी ऐसा क्यों कर रही है, पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि ये हमला करने का प्लान तुम लोगों ने बनाया है, अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो इसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं है, और मेरा नाम बाद में मत लेना तुम। और इतना कहकर वो वहां से जाने लगता है। तभी उस सिटी लॉर्ड के पास उसका एक बंदा आकर और उससे पूछता है कि क्या हम सच में सेंजाओ सिटी पर अटैक करने वाले हैं। जिस पर सिटी लॉर्ड उसको कहता है कि नहीं, हम उस सिटी पर अटैक नहीं करने वाले हैं, पर मुझे वहां पर जाके देखना ही होगा कि आखिर मामला क्या है, तभी हमें कुछ सही से समझ आएगा आखिर बात क्या है, बस इसीलिए मैंने हाँ किया है इस लड़ाई में जाने के लिए। और इसी के साथ यहाँ पर ये सीन शिफ्ट हो जाता है और हम उसी टूटे फूटे घर को देखते हैं, और वहाँ पर हम ली और उसके साथियों को भी देखते हैं जो कि वहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि हमें यहाँ पर 2 दिन हो गए हैं जानकारी इकट्ठा करते हुए, यहाँ पर ऐसी कोई भी बोट नहीं है जो कि सेंसे आइलैंड पर जाने के लिए काबिल हो, हमें कोई अच्छी तेज और काफी पावरफुल बोट चाहिए होगी, इस फिश वैली में ऐसी कोई भी बोट नहीं है। तभी यहाँ पर ली कहता है कि क्या हम यहाँ पर थोड़ा और इंतजार कर सकते हैं मिस रॉय के आने का, वो भी हम लोगों के साथ इस एडवेंचर पर चल सकती है उसके साथियों के साथ। जिस पर ड्यूक कहता है कि नहीं, हम उनके साथ नहीं जाएंगे इस एडवेंचर पर, मैं मिस रॉय के साथ नहीं जाना चाहता। जिस पर ली कहता है कि क्या तुम मिस रॉय के साथ इसलिए नहीं जाना चाहती एडवेंचर पर क्योंकि उनकी हालत खराब है। जिस पर ड्यूक जवाब देता है कि हाँ ये भी बात है, और दूसरी बात ये है कि वो मुझे टैन सेक्ट वापस ले जाना चाहती है ताकि मैं वहाँ पर क्राउन प्रिंस बनने के लिए फाइट कर सकूं और वहाँ का क्राउन प्रिंस बन सकूं, पर मुझे क्राउन प्रिंस बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फालतू का झगड़ा करती रहती है वो मेरे से। जिस पर ली भी उसको कहता है कि तो क्या हुआ, इसमें कौन सी बुरी बात है, ये तो अच्छी बात है तुम प्रिंस बन जाओगे तो। और इसी के साथ यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम उस मोंग को देखते हैं जो कि ड्यूक को प्रिंस बनाने के ऊपर ही बात कर रहा होता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर एंड हो जाता है। तो कैसा आपको आज का ये पार्ट लगा है मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप इसके आगे का पार्ट भी देख सको जो कि मैं बहुत जल्द ही अपलोड कर दूंगा। मुझे पता है काफी लेट हो गया है, पर क्या कर सकते हैं यार, अब काम ही इतना है।
जिंदगी में। चलो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।